देख लो आप लोग कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। अभी बज रहे हैं जी 4:30 हो रहे हैं और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी बढ़िया शानदार जगह जा रहे हैं अपन। ये रास्ता जा रहा है जी जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज जी जिन्होंने यहाँ के हिसाब से लोग बोलते हैं कि उन्होंने जो है अपने हिमालय की है ना हाइट नापी थी, या एवरेस्ट की सॉरी। तो भाई साहब ने क्या है कि यार एवरेस्ट की हाइट नापी थी, तो वहां पे जा रहे हैं और वहां जाकर के क्या करेंगे ये आपको बताता हूँ मैं। बाकी व्लॉग जो है वो देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करने में जा रहा हूँ। पहाड़ में थोड़ा थोड़ा क्या है गाड़ी अपने मोड़ा माड़ी में। ये UP 14 वाले भाई साहब मोड़ रहे हैं, पहले एक बार इनको मुड़वा दें। कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी, बस इसके पास से अपन लेफ्ट जाएंगे अपने एवरेस्ट के लिए, जॉर्ज एवरेस्ट के लिए सॉरी एवरेस्ट नहीं। बड़े प्यारे लोग हैं यार उत्तराखंड के, बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब एक भाई साहब कैब वाले थे, उन्होंने मेरे को पहले डायरेक्शन बताया था कि जॉर्ज एवरेस्ट कहां से होते हुए आप जाना। फिर उसके बाद में एक रास्ता मैं अभी गलत मुड़ रहा था, यहां से राइट मुड़ रहा था, तो पीछे पीछे कैब लाए मेरे ये बताने के लिए, जबकि उनको अपने कस्टमरों के साथ में दूसरी जगह पे जाना था। तो यार बढ़िया लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं अपने जो गढ़वाली लोग हैं और उत्तराखंड के लोग हैं लोकल, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस। बाकी ये रास्ता देख लो आप, सुकून भरा रास्ता है जहां से होते हुए अपन जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एक चोट हो सकती है मेरे साथ में, अब देखो होगी नहीं होगी तो जाके पता चलेगा कि कैश जो है वो अपने बैग के अंदर मैं भूल आया। मेरे पास में 10,000 रुपए कैश थे, वो मैंने होटल के अंदर, मतलब 12-13,000 रुपए कैश थे होटल के अंदर, अपने वार्डरोब के अंदर नहीं होता एक लॉकर सा आजकल दे देते हैं, तो छोटा सा उसके अंदर लॉक वॉक लगा करके रख दिए। ऐसे ही मैं उसको निकाल लेता था, लेकिन ऐसे ही रख दिया। और अभी मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं वॉशरूम गया था, मैंने कहा यार उसको लेके चलना है कि कैश दूं वहां पे, हो सकता है कार्ड चल जाए। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और पेटीएम है। अगर नेट नहीं चला ना भाई साहब तो कार्ड या कोई सा भी ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन का जो तरीका है ना वो चलेगा नहीं। तो ये आपको जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पे जाकर के क्या माहौल होने वाला है। कांच पे धुंध आ गई जी अपने, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। थोड़ी सगड़ी रोड पे सोते हुए निकल रहे हैं अपन। हो गया जी क्लीन वापस से कांच, बस ये थोड़ा सा पानी के दाग हो रहे हैं। ये देखो एसी चला रखा है मैंने, पहाड़ी के अंदर भी जॉर्ज एवरेस्ट छाती पाओ ये जो आपको जगह दिख रही है अपन चल रहे हैं बढ़िया। और राइट में नजारे देख लो आप नीचे वैली के, पूरे हो सकता है इतने क्लियर नहीं आ रहे हो पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी गार्डन लिखा हुआ है और देखो कंपनी गार्डन की तरफ तो अपने को जाना नहीं है शायद। ये अपने राजस्थान की गाड़ी आ गई भाई साहब, एक HR आ गई, ये दबा दिया गाड़ी को अपन ने। भाई साहब नीचे वैली के नजारे अच्छे दिख रहे हैं यार यहाँ से काफी। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं नजारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। बाकी मुझे तो अच्छे लग रहे हैं यार, कैमरे में हो सकता है कि नहीं ढंग से दिख पा रहे हो। उधर बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रही थी, यहाँ बढ़िया सनलाइट आ गई। देखो यही होता है भाई साहब पहाड़ों के अंदर एकदम से, एक तरफ सनलाइट आपको दिख रही है, एक तरफ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, पहाड़ से छुपा हुआ था। भाई सूरज जिस तरफ है उस हिसाब से क्या है छाया आ जाती है, उस हिसाब से धूप आ जाती है। बाकी सनलाइट भी यार अच्छी लग रही है ठंड के अंदर, ठंड में सनलाइट यार अच्छी बात है, और सनलाइट तो ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है यार, सनलाइट तो लेते रहनी चाहिए। सूरज से दूर नहीं भागना चाहिए यार, आजकल लोग यार दूर भागते हैं ना सूरज से, नहीं भैया नहीं। पहाड़ों के अंदर की जो ये है ना सनलाइट और जो गर्मी होती है ये थोड़ी सी तेज चुभती है यार, ये चुभन वाली होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने पहाड़ों में ट्रैवल किया हो ना माउंटेन्स में तो आप लोग अच्छे से भली भांति जानते होंगे और मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। आचार्य तुलसी फाउंडेशन, इसके साथ में देखो यहाँ पे चालू हो गई है राइट में लोहे वाली क्या बोलते हैं इसको, तारबंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं, गोल गोल घूमी हुई है ना ये, देखो ध्यान से देखो आपको शायद दिख रही हो। अभी रोड क्या है ना कहीं से भी तेज तेज भगाने वाली नहीं है भाई साहब, क्योंकि जरा सा मोड़ते गाड़ी के साथ में आपके टर्न आ जाता है, जरा सा घुमाया टर्न, जरा सा घुमाया फिर टर्न। अब यहाँ पे इतनी लंबी मिली है ना, इतनी लंबी मिलती नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं मिली थी मेरे को। क्या लिखा हुआ है ये जॉर्ज एवरेस्ट 2 किलोमीटर, और बाकी आप देख ही लो जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता है लेफ्ट में कहाँ से, अच्छा नीचे से लिखा हुआ है जी, नीचे से लिखा हुआ है ये पढ़ लो आप, अपने नीचे उतर गए ये, यहां से उतर रहे अपन नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है पढ़ लो आप, कांच गंदा हो रहा है और पढ़ा देता हूँ आपको ढंग से। चल रहे हैं अपन बढ़िया है, क्या बढ़िया खुला मैदान दिख रहा है देखो है ना, कांच गंदा है यार इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूं मैं थोड़ा सा। ये भाई साहब खड़े हैं कोई सामने यार, ये मेरे को रोकेंगे शायद, मुझे लग रहा है ऐसा देख के,
पर मैं रुकूंगा ही नहीं, रोक लो भाई साहब मुझे। ये तो कोई पार्किंग टू व्हीलर की, 2 किलोमीटर लिखा हुआ है अपने तो, अपने को तो खींचते जाना है भाई साहब, रुकना ही नहीं है अपने, पूछना पाचना ही नहीं है किसी से, रूल्स पढ़ा दूंगा अभी आपको उतर के ढंग से। पहले एक बार ये कंफर्म कर लें कि हेलीकॉप्टर राइड अपनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि 5 बज गए हैं और 4:30 बजे तक राइड रहती है। यहाँ पे चेकिंग वाले भाई साहब और सब खड़े हैं, देखो प्रॉपर, थोड़े बहुत टूरिस्ट भी हैं। ये रूल्स पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से, ये देख लीजिए, 10,000 रुपये का फाइन है अगर आप लोग दारू वारू पी के आते हो बाई चांस, तो ड्रोन व्रोन उड़ाते हो कुछ भी। तो बाकी क्या है जी, हो गया अपना पोपट यहाँ पे, जो कि मुझे लग ही रहा था बात पैसे की दिक्कत की नहीं, पैसे का तो ऊपर पता चलता कि भैया क्रेडिट कार्ड चलता क्या नहीं चलता, पेमेंट हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ तो हम जा ही नहीं पा रहे। और कल सुबह क्या है कि मैं शायद निकलूंगा, क्योंकि भाई का बर्थडे है, 24 तारीख है, 24 फरवरी, तो इसलिए छोटे भाई का बर्थडे है। मैंने उसको कहा था, मैंने कहा अगर तू कहेगा तो मैं आऊंगा जरूर, तो अगर सुबह मैं जल्दी निकल जाऊंगा, और 10 बजे क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होती है हेलीकॉप्टर राइड वगैरह, मतलब 10 बजे मिनिमम आप सबसे पहले मिनिमम तो क्या आप लोगों की स्टार्टिंग है, तो ठीक है यार, नहीं थी अपने हेलीकॉप्टर राइड। बाकी ये पॉइंट है आप देख लो, यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, ये पॉइंट है जहाँ से आप जाओगे। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप हेलीकॉप्टर राइड पर नहीं जाते हो तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अभी के सीजन का मैं बता रहा हूँ पार्किंग चार्जेस क्या है, हो सकता है पीक सीजन पे चार्जेस अलग हो जाए। 200 रुपये कार पार्किंग चार्जेस हैं, प्लस 100 रुपये ये जो ATB मोटर आती है आपकी 4x4, तो इससे 100 रुपये पर पर्सन आपका पिक एंड ड्रॉप है, जो कि हर 10-15 मिनट में ऊपर से आती जाती रहती है। प्लस आपका क्या है कि यहाँ पे जो एंट्री चार्ज है वो 200-200 रुपये अलग है, तो मतलब आप 2 जने भी आए ना तो आप मान लो 800 रुपये तो आपके चिपने चिपने, लेकिन वो आप हेलीकॉप्टर राइड से एटलीस्ट बच जाते हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर राइड जो है वो आपकी करीब 5,900 की, भाई साहब 5,900 की है हेलीकॉप्टर राइड। तो ये सीन है, तो आप देख सकते हो कि आपको क्या ऑप्ट करना है, हेलीकॉप्टर राइड लेनी है या फिर यहाँ से आप ATV से खाली ऊपर जाकर के जॉर्ज एवरेस्ट का जो बेस पॉइंट है वो देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी 2 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का ट्रैक अलग है, वहां पे आपको जाकर के मतलब पैदल पैदल जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है, वो भी यहाँ पे गाइड वाइड उनको ले जाने वाले मिल जाते हैं। 200-200 है ना, ठीक है जी, धन्यवाद। जॉर्ज एवरेस्ट एंट्री, भाई साहब किस्मत इतनी ज्यादा बेकार है, मतलब बेकार की अच्छी भी हो गई, क्योंकि कैश बिल्कुल भी नहीं था, होटल में छोड़ के आया, मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा कि वाईफाई तो हमारे क्या आगे तक आ रहा है वहां तक, और यहाँ पे है ना ट्रांजेक्शन जो है वो वाईफाई की केबल ही नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जो कि जेन्युइन बात बोल रहे थे। और नीचे गवर्नमेंट की ये जो गुमटी लगी हुई है ना, तो मैंने कहा टूरिज्म की जो है ना, गवर्नमेंट टूरिज्म की। अब ऐसा हुआ कि यार मेरे दोस्त के पास में बाई चांस 2-500 के नोट निकल गए, क्योंकि 800 रुपये लगने थे, और ये बोल रहे हैं ATV राइड जो है ना उसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, और जो पार्किंग वाले उनको भी कर सकते हो थम्स अप। बस अभी चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, गाड़ी यहीं खड़ी करके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि गाड़ी अगर मैंने पार्किंग में नहीं लगाई होती तो ये बोल रहे हैं गाड़ी के चार्जेस जो है जो 200-200 पर पर्सन 300 रुपये अगर मतलब 600 रुपये लगते हैं, हम 3 लोग हैं ठीक है ना, तो वो मेरे 1,000 रुपये गाड़ी की एंट्री के अलग से लग जाते हैं। फिर उसके बाद में ये 200 रुपये एंट्री जो है ना वो भी लगती, ATV राइड के 100-100 रुपये जो है वो बच जाते, लेकिन यार वही ज्यादा बेटर है। पहली बार बैठा हूँ मैं इसमें ATV में, जबकि हमारे यहाँ बिकती है खूब जयपुर में ATV, और बहुत साल पहले से बिकती है ATV राइड जो है, ये पोलरिस की होगी शायद ये। भैया के साथ जा रहे हैं अपन, भैया क्या नाम है आपका, रवि, रवि जी यहीं से हो भैया, उत्तराखंड से। भैया ने अपने को पर्ची दी है, निकला ये पर्ची है अपनी, ये गियर है भैया इसका क्या है, ATV का गियर है, आपके वहाँ दूसरी वाली बनती होगी ना, स्कूटर वाली, स्कूटर वाली नहीं, ये भी है, ये भी बनती है, जिनसे हमने ली थी ना उनके पास, मतलब गाड़ी ली थी जिनसे हमने आज से 8-9 साल पहले। अच्छा, ऊपर खाने पीने की सारी चीजें की व्यवस्था भी है, टिकट दिखा दो सर, ये आ गए जी अपन, बस आ गए, आपको दिखा देता हूँ, अभी उतर गए यहाँ से तो अपन,
ये जगह है जी, देख लो पहले यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। एक चीज बताऊंगा आपको भी, पहले व्यू देख लो आप पूरा का पूरा। और ये अंदर क्या है मामला, एक साफ शुद्ध बात बोलूंगा आप लोगों को, है ना, अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, और अगर कोई भी जानकार जाने वाला हो और उसके आप हितेशी हो, तो क्या उसको शेयर जरूर कर देना यार इसको, है ना, पक्के से शेयर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, कटवाना मत अपना यहाँ पे आकर के, है ना, मतलब एक एक किलोमीटर ऊपर आने के लिए आप 1000 रुपये दोगे, पक्की बात बता रहा हूँ आप, ये ATV से आओगे तब भी, है ना, इसलिए हेलीकॉप्टर राइड करने आना हो ना तब तो फिर भी पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हेलीकॉप्टर राइड के लिए नीचे है ना वो फेयर कट जाता है, वो वर्थ है, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो। पर यार आप बताओ यार ऐसा क्या व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सारी फूड की स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, स्ट्रीट फूड क्या मतलब फूड वेंडर्स वगैरह खड़े हुए हैं। और मैं ऊपर इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने कहा यार हेलीपैड जो है ना एक बार वो भी देखे हूँ, कि जब कि भाई साहब जब चूना लगी गया और कटवा लिया है तो फिर थोड़ा देख ही लें इसको, क्योंकि मेरा तो मन ये कर रहा है वापस से नीचे चले जाओ सीधा, पर 1000 रुपये चिप गए भाई साहब, 1000 रुपये। ये भाई साहब और बैठे हैं सामने पीछे गेट के साथ में, ये शायद एंट्री लेन देन ही लेन दे हेलीपैड देखने के लिए, ये मामला है। सामने हेलीपैड एच लिखा हुआ है, राइड बंद हो गई है ना, मैं भी हेलीकॉप्टर के लिए आया था, मैं खुद हेलीकॉप्टर के लिए आया था, लेकिन ये व्यू है जी। और ये देखो ये सामने हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है अपना। बाकी जो मैंने आपको बोला ना उस चीज को याद रखना यार, यहाँ पे जितने भी और 5-7 बंदे और मेरे पास खड़े थे, इसलिए मैंने व्लॉग किया नहीं, मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो उन चीज उनको भी यही लगा, उनको क्या पता नहीं था कि हेलीकॉप्टर राइड जो है वो चालू है या नहीं है, मैंने कहा 4:30 बजे के बाद में नहीं होती है, ठीक है यार व्यू ले लेते हैं अपन थोड़ा सा यार। चलो थोड़ी सी वर्थ निकाली, और वर्थ क्या निकाली है कि बहुत शानदार सनसेट पॉइंट है, मतलब सनसेट पॉइंट प्रॉपर बना हुआ नहीं है, लेकिन हेलीपैड के आप थोड़े से उधर से ऊपर होते हुए जाते हो ना, तो आप है ना वहाँ जा करके अच्छी खासी पिक्स विक्स और रील वगैरह बना सकते हो, बढ़िया बन जाएंगी, सच में आनंद आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी का व्यू ये है, देख लो आप लोग बढ़िया। और एक खुशखबरी बताता हूँ आपको, खुशखबरी ये है भाई साहब कि अब ATV आएगी नहीं, जो ऑल टेरेन व्हीकल था जिससे हम आए थे ना वो नहीं आएगी, और मुश्किल से 5-10 लोग बचे हैं, तो पैदल पैदल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है वैसे तो, पैदल चल जाएंगे बढ़िया आनंद करते हुए। पहले वॉशरूम जाया हूँ यार, वॉशरूम जाया हूँ, कुछ खाऊंगा नहीं यार, नीचे उतर लेते हैं क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है। देखो यहाँ पे आग भी जली हुई है बढ़िया, हाथ सेकने के लिए। कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, ये देखो मेरे मुंह से तो धुआं निकल रहा है, बस वो दिख रहा होगा आपको बीच में से होते हुए। मैं बंद कर लेता हूँ कैमरे को, लाइट को, क्योंकि अगर बंद नहीं किया ना मैंने तो फिर मैं झाली वाली में बैठ जाऊँगा सच में, तो इसलिए बंद कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा बस दिखा रहा था कहाँ से होते हुए जा रहा हूँ, ये देखो ये देखो, देख लो आप लोग कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। सुनसान पूरा, ये दो आगे एक्टिवा चल रहे हैं रेंट पे लिए हुए, भाई लोग क्या राजस्थान से ही है भीलवाड़ा से, तो अब इनके साथ में हम लोग जो है ना मॉल रोड जा रहे हैं, मतलब मॉल रोड में अकेला भी जा सकता था पर साथ में जा रहे हैं यार, बढ़िया जेन्युइन बंदे हैं, साथ में बैठ लेंगे थोड़ा खा पी लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, बातें कर लेंगे। सुनसान सड़कों पे से होते हुए मॉल रोड की तरफ जाते हुए बढ़िया एकदम एंजॉय करते हुए, सुकून भरा मौसम, क्योंकि क्या है ज्यादा ट्रैफिक वैफिक है नहीं तो पॉल्यूशन भी नहीं है, इसलिए सुकून ही सुकून है भाई साहब। लेफ्ट में क्या है देखो नाली पे काम चल रहा है यार, इसलिए बहुत बचा बचा के गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना क्या एक टायर उतर सकता है। यहाँ लेफ्ट में लोहे की है ना पूरी वो लगी हुई है, देखो अभी मैं लेफ्ट लूँ ना तो गाड़ी नीचे जा सकती है, इसलिए ढंग से दबा के दूसरी गाड़ी भी निकल जाए आप भी बच जाओ। आ गया जी बस सामने, देखो लाइब्रेरी चौक आने वाला है, जाम लग गया जी, गाड़ियों का जाम लग गया, भाई लोग तो निकल लिए अपने अपने एक्टिवा पे और अपन रुक जाएंगे क्योंकि जाम लगा हुआ है, भयंकर भयंकर जाम है भाई भयंकर। देखो अब यार जब जाम ही लगा हुआ है तो मुझे लगता नहीं कि आगे पार्किंग स्पेस मिलेगी अपने को। ओहो देखो जाम कितनी देर में खुलता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कृपया 10-15 मिनट बाद तब
प्रयास करें। आगे वाली जो गाड़ी की लाइट आ रही है ना, उसके अंदर दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, एक टोपला जो अपने लगाया था अच्छे से, और दूसरा स्वेटशर्ट का अपना आई गया। बढ़िया जाम में लगे हुए हैं यार, बढ़िया खड़े हुए। क्यों? क्योंकि ये जहाँ गाड़ी मुड़ रही है ना, बस सामने मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, एक ही बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, दूसरी नहीं निकल सकती। थोड़ा प्रॉपर दिखाता हूँ आपको, समझ आएगा। देखो थोड़ा प्रॉपर दिखाता हूँ, ये देखो, अब जहां से मैं निकल रहा हूँ ना, यहाँ से दूसरा फोर व्हीलर नहीं आ सकता भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए होंगे आप, देखो सिर्फ टू व्हीलर निकल सकता है इधर से, फोर व्हीलर नहीं आ पाएगा दूसरा, जो लाइब्रेरी चौक सामने आ रही है ना। अब देख लो आप क्लोज से, ये सिर्फ लोग निकल के जा रहे हैं, गाड़ी कहां ही निकल सकती है, बिल्कुल नहीं आएगी। छोटी से छोटी गाड़ी ले आओ, छोटी से छोटी। ये देखो कुलदीप भोजनालय के सामने खड़ा, जो संदीप भोजनालय के सामने खड़ा हूं मैं यहाँ पे। भाई लोगों का मामला सही सेट था भाई साहब, टू व्हीलर पे देना है। ये तो सामने पहुंच गए होंगे, सामने ही लाइब्रेरी चौक, और जाकर के लगा दिया होगा स्कूटर दोनों। अब मुझे लग रहा है कि यार हमें भी है ना इनके स्कूटर पे पीछे बैठ जाते यार, मतलब हम तीन लोग हैं, हम आते नहीं, लेकिन ठीक है यार, मतलब कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। और गाड़ी पीछे होटल पे लगाए थे, क्योंकि मेरा होटल यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर पीछे है, जहां से मैं जॉर्ज एवरेस्ट के लिए जो घूम के वापस से नीचे आया हूँ ना अभी मॉल रोड के लिए, और जहां से चढ़ा था, बस वहां से आप 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाओ और ले जी अपना, 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं, शायद 700-800 मीटर बस। ये देखो ये गाड़ी आई है, इसको रुकना पड़ गया क्योंकि निकल ही नहीं सकती है। दबाता हूँ यार मैं, जितना हो सकता है उतना दबा लेते हैं अपन। उधर देखियो जगह, अपने जितना हो पाएगा ना दबाएंगे यार, अपन कोऑपरेट करते हैं अच्छे से। ये देखो स्पेस देखो, बिल्कुल भी नहीं है इधर, कहां से निकालेंगे गाड़ी। देखो यहां से गाड़ी निकलेगी ही नहीं, एकदम नेक टू नेक निकल रही है। देखो गाड़ियां एकदम नेक टू नेक चिपक चिपक के चल रही है, देख लो अभी इनोवा कितनी चिपकी हुई है, देखो जस्ट चिपक चिपक के चल रही है। अब इधर देख लो आगे जैसे कट्टे आ गए यहाँ पे, तो यहां मेरे को गाड़ी बचानी पड़ेगी। मेरी गड्ढे में गई थी लेफ्ट साइड से गाड़ी, और उसका कारण यही है कि भैया लेफ्ट में क्या काम चल रहा है, नाली है उधर, तो ओपन ढक्कन सारे के सारे ढक्कन क्या जाली है वो खुली हुई है। अभी देखियो लेफ्ट में, अब मामला सही है, ठीक है चलो जी। एकदम नेक टू नेक जरा सा लेफ्ट में नाली में उतरती ना भैया, फिर एक्सयूवी के एक्सयूवी निकल जाता, मतलब यार नीचे से बैठ जाती यार, अड़ जाती है यार। अब देखो भाई लेके आ रहा है यहीं का उत्तराखंड का गाड़ी, पर ये कहां से निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूटर भी खड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ स्कूटर लगा हुआ है, निकालेगा कहां से भाई हमारा। मॉल रोड देहरादून सारा बोर्ड लगा हुआ है राइड में। ये देखो ये लेफ्ट में स्ट्रीट फूड वेंडर ने भी दुकान लगा रखी है, तो यहां भी आप नहीं दबा सकते, पर चलो ये तो कोने पे है, ये ट्रैफिक के बीच में नहीं आ रहा, मैं गलती क्यों बोलूं बिना बात। अब तू लेफ्ट में देख, ये आ गए जी फाइनली लाइब्रेरी चौक। अब जो कसम कश होएगी ना वो आएगी होएगी पार्किंग की, मॉल रोड पे तो लगाऊंगा नहीं यार मैं टोकन वोकन दे करके, तो अपने उल्टे हाथ पे जहां कल लगाई थी ना वहीं लगाएंगे यार, क्योंकि राड़ा हो गया क्या, पंगा हो गया भाई कुछ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई तो बात हुई है इधर। ये देखो यहां भी जाम सा लग रहा है, सामने मॉल रोड है, राइट में नीचे उतर के देहरादून के लिए और मसूरी झील के लिए वहां की तरफ आप जा सकते हो। ये देखो पूरा यहाँ का माहौल देख लो आप, अपन तो उल्टे हाथ पे चलेंगे भाई साहब, यहाँ लेफ्ट में इंपीरियल स्क्वायर के साथ से होते हुए। भाई लोग जो थे भीलवाड़े वाले, ये तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जबकि इनके स्कूटर तो तब कब के लग गए होंगे, पर इनके फोन ही नहीं उठ रहे हैं यार। पर अपन आ गए अब साथ में मॉल रोड के लिए, देखो भाई क्या होता है। बाकी फोन उठाना चाहिए यार, पता नहीं क्यों फोन नहीं लग रहा यार, उठा नहीं रहे यार। जिस भाई ने नंबर दिया था बोले थे हम यहीं खड़े मिल जाएंगे लाइब्रेरी चौक पे, अब तो कहीं इनका माहौल दिख नहीं रहा ना कहीं खड़े दिख रहे हैं। अपन जी यहाँ पेड़ पार्किंग में पार्क कर देते हैं गाड़ी, एंट्री पेड़ पार्किंग, पेड़ कार पार्किंग जी। सगड़ी सी रोड है पर चलो यार, नहीं तो गाड़ी कहाँ लगाते। आगे तो ठीक है, भाई साहब क्या चार्ज है? रात 10 बजे तक 300, सुबह 10 बजे तक 600। ये तो मॉल रोड पे लगाया था मैं। मॉल रोड पे 9 बजे जाएगी सर, इससे पहले जाएगी। नहीं नहीं मैं तो आधा घंटे का ही काम है मुश्किल से, दोस्त लोग पहले बैठे हुए। ठीक ठीक धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब आनंद आ गया यहाँ तो, बोलते 300 रुपए। मैंने कह रहे यार 300 रुपए गजब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहां से मैं उतर रहा हूँ। अब 300 150 रुपए देके तो फिर मैं वहां मॉल रोड पे खड़ी कर देता। ये देखो
एक बार रोड देखना भी कितनी नीचे जहां से मैं उतर रहा हूं गाड़ी लेकर के। बहुत ही ज्यादा ढलान, बहुत ही ज्यादा, पर चलो कोई बात नहीं जी, उतरना तो है ही। खड़ी है ना यार एकदम, इसलिए धीरे धीरे उतार रहा हूं। एकदम खड़ी है, देखो एकदम खड़ी है। फिलहाल यार मैं मसूरी झील के सामने हूँ और झील के सामने एक स्ट्रीट फ्लेवर मोमोज नाम से भैया खड़े होते हैं फूड ट्रक लेकर के। इनके जो मोमोज है ना, मोमोज का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इनके मोमोज बहुत अच्छे हैं यार, वेज मोमोज सच में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और रेट्स वगैरह भी अच्छी हैं। दूसरा भैया बहुत ही मिलनसार है, बहुत अच्छे हैं। आप सोचो पिछले चार दिन के अंदर तीसरी बार मैं इनके पास में आ रहा हूँ, है ना, ही इज वेरी गुड, रियली वेरी गुड। अभी मैंने चाय ली है और साथ में मोमोज लिए हैं, चाय एक नंबर स्वाद, दिखाता हूँ मैं आपको। रुको, ये देखो चाय पे ऊपर झाग आ रहे हैं कुल्हड़ पे। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। और ये अपने मोमोज आ गए, देखो वेज मोमोज बढ़िया। मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ एक बार इनकी, ये देखो स्ट्रीट फ्लेवर मोमोज नाम से शॉप है, फूड ट्रक खड़ा हुआ दिखेगा आपको। रेट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, रेट्स भी ये देखो, ये भैया की रेट्स है। मैं हर एक जगह को क्या रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको क्या है, भले खाने में स्वाद अप डाउन लग जाए, मेरे को तो नहीं लगा, लेकिन मान लो किसी को सबकी अलग अलग टेस्ट होता है, सबके टेस्ट बड्स अलग अलग है ना, तरीके से सेट हुए हुए होते हैं, लेकिन आपको इनका व्यवहार के अंदर इतना स्वाद लगेगा ना कि वो एड ऑन होकर के आपका अगर कुछ कमी आपको बाई चांस लगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। बढ़िया आदमी है सच में, ठीक है, लेकिन ब्लॉग के अंदर आएंगे नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता है ना। स्ट्रीट फ्लेवर मोमोज मसूरी झील के जस्ट सामने, ये स्ट्रीट फ्लेवर मोमोज नाम से है। बाकी इनकी चाउमीन एक नंबर, अभी दो चाउमीन पैक करवा करके होटल में लेके जा रहा हूँ यार मैं। बस जी आ गया हूँ यार, और बज गए 11:15, होटल के अंदर आ गया हूँ मैं, और पेट वेट अपना बढ़िया टन, क्योंकि भैया के यहाँ के दो मोमोज खा लिए, एक चाउमीन खा ली, चाउमीन भी अच्छी थी। तो आप लोगों को मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने रिकमेंड किया था, व्लॉग जैसा भी लगा हो ना आप इसको लाइक करके जाना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और लोगों को शेयर करना, क्योंकि लोगों के काम आने वाला है, वैल्यूएबल रहने वाला है ये व्लॉग जो है, जो मैं जॉर्ज एवरेस्ट पे गया था, और शायद शायद कल मैं रुकने वाला हूँ, कल मैं नहीं निकल रहा हूँ, तो फिर शायद कुछ आपको बढ़िया और देखने को मिले।